आया व्हाट से फॉलोअप हमेशा सीडी फोर काउंट से होगा। इनिशियल टेस्ट जो होता है वो एलाइजा होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट बड़ों में जो है वो वेस्टर्न ब्लॉट होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें पीसीआर करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि एचआईवी क्या होता है, वो वायरस होता है जो वीक कर देता है इम्यून सिस्टम को और एक्ट करता है टी सेल्स पे, ठीक है। और उसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है, जो कंडीशन होती है, उसको एड्स कहते हैं। तो एड्स इज ए सिंड्रोम और कंडीशन, ठीक है, कॉज बाय वायरस विच इज कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, एचआईवी। अच्छा, उसके बाद आ गया कि एचआईवी की जो है हॉलमार्क क्या है। अगर एचआईवी का हॉलमार्क पूछे तो डेफिनेटली वो टी सेल्स पे एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस इन टी सेल होता है। और एड्स में बेसिकली क्या होता है, इसमें डिक्रीज सीडी फोर काउंट होता है, ये इसका फॉलो अप है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एचआईवी में टीबी है, एड्स में न्यूमोसिस्टिक है, जुरवेसी। फॉलो अप सीडी फोर काउंट से होगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रेवलर्स डायरिया, ठीक है, नूड ट्रेवल्स इज ग्रेटर देन डाइफेनॉक्सिलेट, वी हैव डन दिस। अच्छा, कल एक दो एमसीक्यूज थे जिसमें वो प्रेग्नेंट पेशेंट पेशेंट प्रेजेंट्स विद रूमेटिक फीवर एंडोकार्डाइटिस ऑन डिस्चार्ज, ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब फॉर लॉन्ग ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट रिकरेंस वुड बी, ठीक है। तो रूमेटिक फीवर में रिकरेंस को रोकने के लिए प्रोकेनामाइड पेंसिलिन। अच्छा, उसके बाद आ गया स्टर्नोकॉस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट, कौन सी चीज बनाएगी, जो इंटीरियर स्टर्नोकॉस्टल सरफेस है, ये अगर फॉलिंग कोन है तो इसकी स्टर्नोकॉस्टल सरफेस जो होगी वो राइट वेंट्रिकल बनाएगा जी। अ पेशेंट विद लोकलाइज सर्कमफरेंशियल लैटरल वॉल इनफार्क्ट, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो जो राइट होती है हमेशा इन्फीरियर होती है, ठीक है, और राइट अगर इन्फीरियर है तो वॉट अबाउट सर लेटरल वॉल जो होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और लैड, ठीक है। तो जो होगी ना आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी वो इन्फीरियर वॉल एमआई में होगी, जो लैड है वो इंटीरियर वॉल एमआई में होगी, और फिर पीछे बचता है लेटरल वॉल, तो उसमें एलसीएक्स सर्कमफ्लेक्स होगी, तो इसमें सर्कमफ्लेक्स आ जाएगा जी। और सर एपेक्स का भी आया हुआ था, अगर एपेक्स का इंफार्क्ट हो गया तो कौन सी होगी, इसमें कंट्रोवर्सी। उसमें मैंने आप लोगों को एक वो निमोनिक दिया था SALI, ठीक है, उसमें आप लोगों को मैंने निमोनिक दिया था, वो आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर हुआ है, वो आपने देख लेना, SALI निमोनिक था इसका। डेफिनेशन ऑफ डेस्मोप्लेजिया क्या होती है, नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है। उसके बाद आ गया सोडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है। सोडो स्ट्रेटिफाइड में बेसिकली ऑल सेल्स जो होते हैं ना वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को रीच करते हैं, ये स्ट्रेटिफिकेशन सोडो आती है, फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन आती है, वैसे स्टेटा बने नहीं होते, इस वजह से इसको सोडो स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, ठीक है, सारे इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ही लगे होते हैं। बायोप्सी ऑफ ए स्टमिक डन, नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू होगा तो वो मेटाप्लेजिया है। उसके बाद अगर सैंड ग्रेन अपीयरेंस के साथ वो फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा वाला आ जाए तो वो ब्रेस्ट टिश्यू हमेशा होगा। कोरियोरेटिनाइटिस इन एड्स इज कॉज्ड बाय साइटोमेगालो वायरस, ओके। पोस्ट ट्रांसप्लांट में भी यही होता है, कोलोन वाले में भी यही होता है, 11 भी वही चीज है। फ्यूमिगेशन इज डन इन केस ऑफ, अच्छा अब देखें इधर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज बता दूं कि फ्यूमिगेशन जो है ना वो कार्डियक ओटी सर्जरी में करते हैं जहां पे इंक्रीज्ड इंसिडेंट होते हैं पोस्ट ऑफ इन्फेक्शंस के, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है H1N1 का एक एमसीक्यू आता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो उस दैट इज ग्रेटर देन कार्डियक ओटी सर्जरी, ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद लॉस ऑफ टच मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहां पे होती है, लिप्स पे, ठीक है, और मिनिमम कहां होती है, स्कैपुला पे। डिस्टेंस का वर्ड ऐड हो जाए तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो स्कैपुला पे होगा, इंटर स्कैपुलर रीजन में। इन ए पेशेंट लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन अकर आफ्टर आरटीए, अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रल इनहिबिशन, ठीक है। दीज आर डैम इजी, मतलब इतने ज्यादा आसान एमसीक्यूज हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो होता है वो किसकी वजह से कॉज होता है, तो एंडोथेलियल इंजरी। पेज नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 16, मलेरिया हो गया बंदे को, मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरिया ड्रग इज यूज्ड फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट अनकॉम्प्लिकेटेड फैलसीफॉर्म मलेरिया, ठीक है। तो उसमें आप कौन सी दवाई दोगे जो एंटी मलेरियल दोगे जब मलेरिया हो जाता है, उसमें आप आर्टेमिसिन को विद कॉम्बिनेशन देते हो, आर्टेमिसिन को विद कॉम्बिनेशन देते हो, ठीक है, आर्टेमिसिन इज गिवन विद कॉम्बिनेशन। लॉन्ग प्रो एरिथ्रोसाइटिक फेज किसकी होती है, पी मलेरिया की होती है, शॉर्टेस्ट किसकी होती है, पी फैल्सीपरम की होती है, ठीक है।
ट्विन प्रेगनेंसी का आ गया, ठीक है। ट्विंस दो तरह के होते हैं, ट्विंस दो तरह के होते हैं, ट्विंस होते हैं जी मिक्स सैक होगा, सेपरेट एमनियोटिक सैक होगा। कंटेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एट बर्थ, तो टू अम्बिलिकल आर्टरीज होती है ना, वो अम्बिलिकल कॉर्ड एट बर्थ का कंटेंट होता है जी। लिगामेंटम आर्टेरियोजम इज फाउंड बिटवीन, ठीक है, लिगामेंटम आर्टेरियोजम जो होता है, हाँ जी, लिगामेंटम आर्टेरियोजम जो होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा के दरमियान होता है, विच इज इंटीरियर रिलेशन ऑफ रूट ऑफ लंग। ओके, देखो अगर उसने दिया हो रूट ऑफ जस्ट लंग, तो आपने दो नर्व्स के बारे में सोचना है, सिर्फ लंग दिया है, राइट लेफ्ट नहीं मेंशन किया, तो आपने सिर्फ दो नर्व्स के बारे में सोचना है, फ्रेनिक आगे और वागस नर्व पीछे, बस ये सोच लेना है आप लोगों ने, ठीक है, फ्रेनिक आगे और वागस नर्व पीछे। लेकिन अगर उसने राइट और लेफ्ट मेंशन किया है तो राइट साइड पे एजाइगस वेन होती है, तो राइट रूट ऑफ लंग के एजाइगस इंटीरियरली होगी, राइट रूट ऑफ लंग के एजाइगस इंटीरियरली होगी, और जो लेफ्ट रूट ऑफ लंग है उसके एओर्टा पोस्टीरियरली होगा। Which of the following nerve provides motor supply to the diaphragm? तो phrenic nerve जो होती है वो motor supply to the diaphragm होगी, ठीक है? We will only concentrate on those MCQs जिसके stem change होती है, बाकी मैं just read करता जाऊंगा, ठीक है? I will not explain those, ठीक है? We will just focus on those points जिनके stem change होती है, ताकि आपकी confusions जो है ना वो थोड़ी सी क्लियर होती जाए। ओके, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी फाउंड बिहाइंड विच ऑफ दिस, ठीक है, तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो होती है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पीछे होती है। स्पीड मैं स्लो रखूंगा बिकॉज कुछ बच्चों ने मेरे साथ एसके 17 नहीं पढ़ी हुई, तो आई जस्ट वांट कि उन लोगों का भी फायदा हो। अच्छा, एड्रेनल मेडुला जो होता है वो ग्रेटर सबलैंगिक नर्व